Good morning, children. Let's we continue the revision of lesson first. And today we will uh, revise the lesson one and lesson two. So after uh, yesterday, we have studied about the agricultural practices. That is the after irrigation. The next step is protection from weeds. Weeds means unwanted plants that grown along with the main crop. Okay. So these weeds also need the ट न्यूट्रीशन एंड फ्रॉम द मेन प्लान्टेन क्रॉप्स ओके सो दे सो दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द मेन प्लांट सो इट इज नेसेसरी टू रिमूव दैम ओके सो वीड्स को रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आपको बताया था हो इम्प्लीमेंट हो uh, है टूल है जिससे उनको um, जो अनवॉन्टेड प्लाट्स हैं उनको अप्रूट किया जा सकता है ओके सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप वन मोर थिंग दैट इज़ द मैनली खुरपी से भी किया जा सकता है एक इंस्ट्रूमेंट और है टूल और है जिसे क्या बोलते हैं खुरपी खुर खुरपी और हो दोनों यूज किया जा सकता है टू अप्रूट द वीड्स एंड केमिकल्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट टू डिस्ट्रॉय द वीड्स एंड दीज केमिकल्स आर नोन एज विडिसाइड वन एग्जाम्पल ऑफ विडिसाइड इज टू फोर डी इनको फील्ड में स्प्रे कर देंगे आ, उन विड्स के ऊपर तो वो, वो अप्रूट हो जाएंगे और धीरे धीरे करके डेड हो जाएंगे डेड होकर डैमेज होकर के वो डाई हो जाएंगे ओके आफ्टर देन नेक्स्ट स्टेप इज हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग मीन्स आफ्टर मिच्योरिंग मिच्योर द क्रॉप इट इज नेसेसरी टू कट ऑफ दैम ओके ये जरूरी है कि अब उनको काट लिया जाए क्योंकि वो मिच्योर हो गई हैं सो so, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है हार्वेस्टिंग द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग तो ये मैनुअली भी हो सकता है मैनुअली भी होता है और मशीन के थ्रू भी होता है ठीक है मैनुअली के लिए सीकल सीकल टूल को यूज़ किया जाता है और मशीन के थ्रू कंबाइन होता है ओके कंबाइन दोनों काम करता है किसका काम करता है हार्वेस्टर का और थ्रेशर का व्हाट इज थ्रेशर थ्रेशिंग मीन्स द सीड्स नीड्स टू सेपरेटेड जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं क्रॉप को तो सीड्स होते हैं सीड्स लगे रहते हैं उन सीड्स को स्टॉक से अलग करना ओके okay? उनके ऊपर जो चैफ होता है यानी कि जो भूसा होता है उसको अलग करना इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है थ्रैशिंग तो कंबाइन जो मशीन है वो दोनों का काम करती है हार्वेस्टर का भी और थ्रैशिंग का भी दैट्स वाई इट इज नोन एज कम्बाइंड ओके आफ्टर दैन विनोइंग प्रोसेस इन विनोइंग प्रोसिंग फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैफ बाई विनोइंग ये एक ट्रेडिशनल uh, मैथड है इसमें विनोइंग के थ्रू यानी विंड की हेल्प से ग्रेन ग्रेन पर से शेप uh, को रिमूव किया जाता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं विनोइंग एंड दिस इज द विनोइंग मशीन आफ्टर देन हेयर्स इन द ब्लॉक देयर आर द हार्वेस्ट फेस्टिवल आपको ये नाम याद रखने ओके दीज आर फेस्टिवल हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कौन कौन से हैं पोंगल बैसाखी होली दिवाली नवाया नबानिया एंड बीहू ये आपको ध्यान रखना है स्टोरेज इज द लास्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जब ग्रीन ग्रीन कलेक्ट हो गए हैं तो उनको प्रॉपरली स्टोरेज भी करना जरूरी है अदरवाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर इंसेक्ट रेट रेट मॉइस्चर की वजह से वो क्या हो जाएंगे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ख़राब हो जाएंगे तो प्रॉपरली इनको हार्वेस्टेड ग्रेन्स को प्रॉपरली स्टोर किया जाता है पहले तो उसको सनलाइट में ड्राई करेंगे जितना भी मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाएगा आफ्टर दैन इनको कंटेनर्स में रखा जाता है और कंटेनर्स में रखने के रखने आ, रखने के लिए रखने के साथ साथ उसको इंसेक्ट पेस्ट बैक्टीरिया फंजाई से बचाने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स आते हैं पहले तो ट्रेडिशनल टाइम मतलब आ, पहले प्रीवियस टाइम में क्या करते थे नीम लीव्स वगैरह लगा देते थे लेकिन आजकल जूट बैग में या मेटेलिक बिन्स में इनको स्टोर किया जाता है और जो इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं उनको साइलोज कहा जाता है ये बड़े बड़े कंटेनर्स हैं ना इनको साइलोस कहा जाता है इसके अंदर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है जिससे कि प्रोटेक्शन मिली पेस्ट रेट इंसेक्ट इसके अलावा कुछ केमिकल्स भी प्रेजेंट फाउंड होते हैं मार्केट के अंदर जिन जो कि हम ग्रेन्स के साथ अगर रख देते हैं तो उनमें पेस्ट वगैरह नहीं लगते माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लगती है फंगस नहीं लगती है ओके आफ्टर देन फूड एंड एनिमल्स जैसे कि भाई क्रॉप प्रोडक्शन हुआ है सेम ऐसे ही एनिमल को भी लार्ज स्केल के ऊपर उनको रेयर किया जाता है एंड दिस इज नोन एज एनिमल हजबेंड्री ओके क्योंकि इसमें हमें एनिमल्स के प्रोडक्ट चाहिए तो ऑब्वियसली हम उसको रेयर करेंगे और इस ब्रांच को क्या बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री नाउ चैप्टर इज फिनिश वी विल डू द रिविजन ऑफ नेक्स्ट चैप्टर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोर चिल्ड्रन रीड दिस ऑल दीज टू चैप्टर्स योर सेल्फ ओके सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच वी आर नॉट एबल टू सी अवर नेकेडाइज हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं दे आर प्रेजेंट बट वी कांट सी एंड वी वी कैन सी दैम विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप ओके सो वी कैटेगराइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन टू मेन मेजर ग्रुप दैट आर बैक्टीरिया फंजाई प्रोटोजोवा एंड एल्गी वन मोर वायरस इट इज ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक ये क्या है लिविंग ऑन नॉन लिविंग के बीच की एक चेन कहा जाता है कि जब तक ये बॉडी से लिविंग बॉडी के बाहर रहता है तब तक तो ये डीएक्टिव है बट ये लिविंग बॉडी के अंदर जैसे पहुंच जाता है एक्टिव हो जाता है ओके okay? तो सो नाउ डेज आपने नाम भी सुना है कि कोरोना वायरस ओके तो कोविड नाइन्टीन वायरस तो ये वायरस जो है इनएक्टिव है अगर बॉडी के बाहर है बट अगर लिविंग बॉडी के अंदर अगर एंटर कर जाता है तो ये फिर एक्टिव हो जाता है ओके okay? सो so, दीज आर दॉज ऑफ द सम डिजीजे इनसे एक डिजीज भी होती है जैसे कोल्ड इन्फ्लुंजा ओके कफ ये वायरस से होता है पोलियो चिकन पॉक्स ये भी किसके कारण होता है वायरस के थ्रू कुछ डिजीजें हैं लाइक डिसेंट्री मलेरिया प्रोटीडोआ से होता है टाइफाइड टू बॉसिस बैक्टीरियल डिजीजेज हैं ओके okay? तो याद रखना है आपको आफ्टर देन टर्न द दे पेज दे आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑल ओवर हर जगह मिलते हैं चाहे वो बहुत ही हॉट प्लेस है चाहे कोल्ड प्लेस है एवरीवेयर ओके ड्राई प्लेस हैं या फिर डेजर्ट है हर जगह अवेलेबल है प्रजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल भी हैं और हार्मफुल भी है जो यूजफुल हैं दे आर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओके एंड लाइक दे आर सम एग्जाम्पल्स आर गिविंग मेकिंग ऑफ कर्डन ब्रेड इसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है जैसे कर्ड मेकिंग के जब कर्ड बनता है तो लैक्टोबेसिलस ओके इट इज़ द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड कर्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये क्या करता है मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में चीज़ पिकल और भी कई आइटम हैं जिसमें कि बैक्टीरिया प्रजेंट कर होते हैं और वो हेल्प करते हैं रवा सूजी इडली बनाने के लिए जो हम बैटर तैयार करते हैं और उनमें फर्मेंटेशन हो जाता है तो वो बैक्टीरिया की वजह से ही होता है टर्न द पेज तो इस प्रोसेस को जब ये यीस्ट यूज़ किया जाता है ओके ये एक्टिविटी बता रखी है इसमें कि ये पाउडर यूज़ किया है और उसमें से जब मैदा में मिक्स कर करके डॉ बना लिया है और आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं तो ये जो डॉ है वो रेज हो जाता है भर जाता है वॉल्यूम इसका भर जाता है क्यों क्योंकि इसमें यीस्ट क्या करता है रेस्पिरेशन करता है और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है बबल्स की फॉर्म में और इसके इस डॉ को रेज़ कर देता है आफ्टर देन कमर्शियल यूज़ ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट का यीस्ट को यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन बनाने में ओके सो लार्ज स्केल पर एल्कोहल और वाइन बनाने के लिए किसको यूज़ किया जाता है यीस्ट को तो इस प्रोसेस को जिसमें शुगर कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में इसको बोला जाता है फर्मेंटेशन और सबसे पहले फर्मेंटेशन किसने डिस्कवर किया लुइज पॉस्चर ने आफ्टर दैन मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ एंटीबायोटिक बनाने में भी किया जाता है यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स के नेम है स्टेप्टोमाइसिन टेरासाइक्लिन एंड इरेथ्रोमाइसिन ये आपको याद रखना है सबसे पहले जो पेंसिलिन एंटीबायोटिक हैं इसको जो डिस्कवर किया था वो किया था अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने ओके okay? तो ये आपको याद रखना है एंटी एंटीबॉडीज़ एंटीबायोटिक क्या होती है ये एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है हमारी बॉडी के अंदर जब हम वैक्सीन इनकी टैबलेट्स लेते हैं तो ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं ओके डिजीज़ से बचाती हैं सेम ऐसे ही वैक्सीन जो है वैक्सीन लगाए जाते हैं डिजीज़ के जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट हों और वो पर्टिकुलर डिज़ीज़ से फाइट कर सकें तो सबसे पहले जो वैक्सीन बना था स्मॉल पॉक्स का इन 1798 एट वो एडवर्ड जैनर ने डिस्कवर किया था ओके नाउ इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी और हेल्प है ये जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सम बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी ओके ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है लाइक राइजोबियम वो भी लैग्योमिनेसी प्लांट के रूट प्रोड्यूल्स में मिलते हैं जिससे कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं फिक्स कर देते हैं ओके नाइट्रेट्स के फॉर्म में और प्लांट ईजिली उनको एब्जॉर्ब कर लेता है आफ्टर देन टर्न द पेज क्लीनिंग द इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं कैसे जितने भी डेड रिमेन्स होते हैं ना और गारबेज होता है ऑटोमेटिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे कन्वर्ट इन टू दैम सिंपलर फॉर्म एंड दे मिक्सअप इंटू द इल सो हेल्प इन द क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट ओके नाउ दीज आर दी डिस्कस अबाउट द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाउ द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो फाउंड एंड दे आर द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे आर नोन एज पैथोजन्स उनको क्या बोला जाता है डिजीज कॉजिंग जम्स को पैथोजन्स तो ह्यूमन में भी डिजीज करते हैं और जो डिजीज एक सिक पर्सन से हेल्थी पर्सन में स्प्रेड होती है उनको बोला जाता है कॉम्यकेबल डिजीज़ेस सो कॉलेरा कॉमन कोर चिकन पॉक्स ट्यूबरक्लोसिस व दीज आर द कॉम्युनिकेबल डिजीज़ेस और जो स्प्रेड नहीं होती है उनको क्या बोला जाता है नॉन कॉम्युनिकेबल ओके आफ्टर देन कैरियर्स कैरियर्स कुछ इंसेक्ट और एनिमल्स जो कि माइक्रोब्स को कैरी करते हैं लेके जाते हैं और जिसके ऊपर बैठते हैं जिस भी ह्यूमन uh, बींग पर या कहीं पर भी किसी एनिमल पर तो अपने उन जम्स को वहाँ पर रिलीज़ कर देते हैं उनको कैरियर्स बोला जाता है लाइक हाउस फ्लाई मॉस्किटो, दीज़ आर दे सिट ऑन द गारबेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा एंड दे इफ दे सिट ऑन द फ्रेश फ्रूड फ्रेश फूड और एनी अदर ईटिंग आइटम्स देन दे रिलीज देयर जम्स ओके सो मलेरिया एंड डेंगू दिज आर कॉज बाय द मॉस्किटो फीमेल एडिज मॉस्किटो कैरियर ऑफ द डेंगू ओके एंड फीमेल एनाफिलिज मॉस्किटो कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया ये दोनों चीजें आपको याद रखना है एनाफिलिज मलेरिया ओके एंड फीमेल एडिज मॉस्किटो कॉज इज द डेंगू फीवर ओके टर्न द पेज नाउ हेयर इज अ टेबल विच दीज आर द्यूमन डिजीजेस इन सेकेंड कॉलम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर द काजेज ऑफ दिज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजिज दीज डिजीजेस मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे स्प्रेड होता है और प्रिवेंशन ये आपको अच्छे से पढ़ना है ठीक है नाव डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स रॉबर्ट कोज डिस्कवर द बैक्टीरियम बेसीलस एंथ्रिक्स विच कॉजिज द एंथरिक्स डिजीज ये किसमें होता है ये एक बैक्टीरिया है बेसिलस uh, एंथ्रेसिस तो ये डिजीज़ कौन सा डिजीज को करता है एंथ्रेक्स डिजीज़ को ओके तो ये ह्यूमन में भी होती है एंथ्रेक्स डिजीज और एनिमल्स में भी हो जाती है तो ये वायरस के थ्रू होती है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट प्लांट में भी होता है लाइक सिट्रस कैंटर रस्ट ऑफ वीट येलो वेन मोजिक ऑफ भिंडी तो ये बैक्टीरिया फंजाई वायरस इनसे होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर के थ्रू भी होता है इंसेक्ट के थ्रू भी होता है लिसन चिल्ड्रन लर्न और रीड दीज टॉपिक्स From your book. Now, one or two, three topics remaining, we will continue tomorrow. Thank you.